राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए करवा चौथ की स्पेशल, करवा चौथ में जो स्पेशल बड़ी मठरी मीठी वाली बनाई जाती है उसकी रेसिपी दिखा रही हूँ। और जो बच्चे बाहर रहते हैं फैमिलियाँ, उनको मैं आसान तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल ही आसान और सिंपल और स्पेशल सीक्रेट तरीके से बताऊंगी आप कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल टिप्स और ट्रिक के साथ। तो यहाँ घी बिल्कुल हल्के से गर्म होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं गैस पे हमने पलटा रख लिया है। पलटा रखने के बाद में आपको इस तरह से डाल देनी है, जब तक ये सिकेंगी जब तक हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। और तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको डाल दिए है और गैस में आप तेल देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का गुनगुना है। तो यहाँ पे मैं आपको तेल दिखा दे रही हूँ, इस तरह इसका तेल गुनगुना है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उंगली डाल के आपको दिखाया है और इधर बुलबुले आ रहे हैं। तो यहाँ पे तेल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चाशनी भी हमारी बनाने का मैं तरीका बता देती हूँ, चाशनी हमने कैसे बनानी है। यहाँ मैंने 1/4 कप चीनी ली थी और 1/2 कप पानी डाला था। तो यहाँ 1/2 कप पानी डाला था और 1/4 कप चीनी ली थी। तो यहाँ पे और इसको मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया था। और ये हमारी इस तरह से तैयार होनी चाहिए, एक गाढ़ा सा तार आना चाहिए, मैं दिखा देती हूँ। तो यह अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तो मैं आपको अभी चेक डालते समय चेक कराऊंगी कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वीडियो में जुड़े रहिएगा, बहुत ही स्पेशल करवा चौथ की स्पेशल खस्ता मठरी की रेसिपी मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ फटाफट से। बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी टेस्टी है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मैदा ली है और कप से नापे तो यहाँ पे 1 कप भरकर टाइट टाइट 1 कप भर के लिया था। तो यहाँ मैंने इस तरह से लिया है और 150 ग्राम मैदा लिया है। तो मैं बिल्कुल टिप्स और ट्रिक के साथ बता रही हूँ, ध्यान रखेंगे तो आपकी ऐसे ही बनेगी। और अब मेरे को क्या करना है मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने देसी घी का यूज किया है, देसी घी को पिघलाया नहीं है और हमें इस तरह से गाढ़ा डालना है। तो यहाँ 150 ग्राम में मैं यहाँ 2 टेबल स्पून डाली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से डालना है और पिघला हुआ घी नहीं डालना है, इस तरह से गाढ़ा घी डालना है। तो यहाँ पे आप करवा चौथ पे आप बनाकर रख सकते हैं। और फटाफट से किस किस के यहाँ करवा चौथ में मठरी का यूज होता है तो वो बना सकते हैं, और जो बच्चे बाहर विदेशों में रहते हैं तो उन्हें भी बना के रख सकते हैं। तो आज मैं बिल्कुल हलवाई वाला स्टाइल ही बता रही हूँ। हमारे संग सुधा जी, अनीता जी, स्मृति और अंकित जी जुड़े हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच डाल दिया, इसको हमें अच्छे से क्रम्बल करना है। इतना घी बहुत होता है, मैं सारी नाप से बता रही हूँ, परफेक्ट नाप से, जो हलवाई बनाते हैं। जो भी मैं मिठाई बताती हूँ वो हलवाई की ही टिप से होती है, वही मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ अच्छे से इस तरह से मिला लेना है और मिलाने के बाद आप नाप से काम करेंगे तो आपको घी और आटा मैदा एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और एक बार ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप भर भर के लाइक जरूर कीजिए, और आपके लाइक कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पेज पे नए हैं तो फॉलो कीजिए। और कौन सी सिटी से देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने अच्छे से मिला लिया इस तरह से। अब यहाँ पे पानी का नाप भी बता दे रही हूँ मैं, 150 ग्राम में कितना पानी परफेक्ट डलेगा। तो आप देख रहे होंगे 1/4 कप में मैंने 1 चम्मच कम पानी लिया है। तो पानी का नाप भी देख लीजिएगा, बिल्कुल 1/4 कप है, नाप दिख रहा होगा यहाँ, 1/4 कप लिखा हुआ है। तो अब इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट डालूंगी। वैसे 1/4 कप आप ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि ये मेरा परफेक्ट नाप है। तो यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे और इसे हमें गुथना नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको बांध रही हूँ, इसको बांधना है बस क्रम्बल करके। और जैसे हलवाई तो इस तरह से करते हैं दोनों हाथ से इस तरह से, तो यहाँ छोटा सा हम कर रहे हैं तो इसलिए, और इसको बांध के इस तरह से रख देंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ, बस नाप पानी का यही रखिएगा, अगर आपने ज्यादा रखा तो ये पतला हो जाएगा और आपकी मीठी मठरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। खस्ता कुरकुरी मठरी बनने के सारे राज खोल रही हूँ मैं जो बाजार के बनते हैं। यकीन करिए दोस्तों, आज के बाद आप बाजार की भी मठरी आपको इसके आगे फेल लगेंगी। तो यहाँ आप देख लोगे मैंने इस तरह से पानी डाला है और इसको हमें क्या करना है, बस इस तरह से हमने बांध दिया है। अगर आपको लगे जैसे कि मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि ये ना सूखा सूखा सा है, तो इसको पूरा भी भर सकते हैं, जिसमें 1 चम्मच मैंने कम लिया था। तो 1 चम्मच मैं दोबारा से इसमें से ले लेती हूँ, ये आप देख रहे होंगे 1/2 टेबल स्पून ले लिया है। तो बस इसको मैं इस तरह से करूंगी। और वो लोग कैसे रखते हैं वो तरीका बता रही हूँ मैं आपको।
वो हमेशा पॉलिथिन में रखते हैं, तो यहाँ मैंने मैदा की ही थैली ली है और इसको इस तरह से पैक कर देते हैं। आप क्लीन, आपके पास प्लास्टिक का क्लीन रैप हो तो उसमें भी कर सकते हैं। तो अभी मैं, मेरे पास जो सामने पड़ा था मैंने उसमें ही करके दिखा दे रही हूँ। इस तरह से करने से क्या होता है, 15 मिनट के लिए रख देंगे तो आटे में जो घी होता है ना अच्छे से तैर के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से वो ढक के प्लास्टिक में बांध के रख देते हैं। तो चलिए मैं अब आगे बताती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैंने इसको रख रही हूँ साइड में और रेसिपी के हम दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं फटाफट से। तो यहाँ कढ़ाई में जब इस तरह से डली होती हैं, जब ये हल्की सी सिक जाती है इनको नीचे कर दिया जाता है, और जब ये हल्की सी नीचे से सिक जाती हैं तो इसको हमें पलटा जाता है। तो यहाँ पे बस फिर इस तरह से पलट के आपको धीमी आंच पर सेकना है, बिल्कुल भी आपको तेज आंच नहीं करनी है। और मैं अभी आपको सारे तरीके बताऊंगी इसमें, आप बड़ी छोटी कैसे भी बना सकते हैं। और मैं आपको गैस दिखा देती हूँ हमारी बिल्कुल कैसी है, तो मैं गैस का भी आपको नाप दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप हमारी गैस देख सकते हैं, हमने बिल्कुल धीरे रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं गैस बिल्कुल धीरे रखनी है, अगर हमने तेज आंच पर करी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी, अच्छी नहीं सिकेंगी। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। तो इधर मैं अब आपको और दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो मैं इस मठरियों को निकाल कर, तो मैं टाइम नहीं लेती हूँ और आपको उन मठरियों को बनाने का तरीका बता देती हूँ। अभी टाइम नहीं हुआ है पर 15 मिनट रखना है, पर मैंने आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं इसको अलग रख देती हूँ फटाफट से। और उधर में चाशनी को भी हमने गैस पे चढ़ा रखा है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है। तो चाशनी जैसे मठरी बनके तैयार होगी, मठरी बनने के बाद बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए, ठंडी हो जाती है उसके बाद ही आपको चाशनी में डुबोना है। तो ये टिप्सों का ध्यान में रखना है, पर हम आज गर्म में ही काम करेंगे और सीखने के बाद कैसे लगेगी वो सारे तरीके दिखाऊंगी मैं आपको। तो एक बार मैं दोबारा से कढ़ाई को चेंज कर लूं। तो मैं फटाफट से अब निकाल के दिखा रही हूँ आपको। 15 मिनट रखना है दोस्तों, तो मैंने यहाँ 15 मिनट नहीं रखा है क्योंकि 15 मिनट में घी अच्छे से आटा आपस में बंध जाता है। तो यहाँ आपको बांध के रखना है, नहीं तो ये खुला खुला रहता है। तो यहाँ 15 मिनट रखेंगे और इसको हमें गूंथना नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह से ही रखना है। और इसको हमें हल्का सा बस इस तरह से बोर्ड पे रखते हैं वो लोग, और बोर्ड पे रख के इस तरह से हल्का सा मल लेते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। तो मैं एक बार आपको मठरियों की तरफ भी ले आती हूँ, क्योंकि ये वाला आप जब भी वीडियो बनाए देखे मेरी तो आप लास्ट में देख सकते हैं। तो मैं इधर मैंने जो मठरियां पहले से सेक रखी है पहले वो दिखा देती हूँ, क्योंकि जात किस कलर की हमें सेकनी है। तो यहां हमने कढ़ाई में, आपने देखा होगा, हमने मठरियां डाली थी। मठरियों को सिकने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं दोस्तों, कोई कहे आपसे 10-15 मिनट लगेंगे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और सिकने के बाद आपको क्रिस्पी पना लग जाएगा इस तरह से, जब कलर चेंज हो जाए जब निकाल लेनी है। रखने के बाद कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको सारी चीज फटाफट से बता रही हूँ थोड़ा सा, और इस तरह से बस हमें निकाल लेना है। और इसकी आवाज़ सुना सकती हूँ, तो आवाज सुन सकते हैं, तो कितनी इस तरह से तैयार हो जाती हैं और बिल्कुल खस्ता है, एक एक लेयर खुली होती है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जब तक मैं उसे ढक दूं आटे को, नहीं तो वो आटा हमारा खराब हो जाएगा। तो एक बार मैं इस आटे को भी ढक देती हूँ। एक बार मैंने कपड़े से ढक दिया है क्योंकि मैं इधर आपको दिखा रही हूँ। निकालने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया, डालने का तरीका बता दिया, सेकने का टाइम बता दिया दोस्तों आपको कैसे करना है, और पलटे में रख के करना है क्योंकि अगर हम ऐसे डाल देते हैं बिना पलटे के तो एक तरफ से ज्यादा लाल हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से तैयार करनी है। तो इनको निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसमें बिल्कुल भी घी नहीं भरता है दोस्त, और बहुत ही बढ़िया खस्ता, देखने में ही पता लग रही होंगी लेयरदार खस्ता बनती है।
तो अब इसको मैं चाशनी में डुबोने का भी तरीका बताऊंगी फटाफट से, बस आपको बनाने का तरीका बता दूं। तो यहाँ मठरियां जब तक हमारी ठंडी हो जाएंगी, तो मैं इस गैस को भी चेंज करके आपको, तो यहाँ हमने कपड़े में इस तरह से ढक दिया था, अगर आपको कोई काम मेरी तरह पड़ जाए तो इस तरह से गीले कपड़े से ढक दीजिएगा। तो यहाँ मैं इस कढ़ाई को भी चेंज कर दूं और इधर चाशनी की कढ़ाई रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मुझे यस नो लिख दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे हमारे संग जो जो जुड़ता जाएगा, मैं सबके कमेंट बाद में पढ़ूंगी दोस्तों। कमेंट पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कई बार वीडियो लंबा हो जाता है। तो एक बार मैं चलिए इधर चाशनी की तरफ मैंने दिखा दूं, जब तक इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ आटे को हमें इस तरह से करना है जैसे आप देख रहे हैं। तो यह हमने आटे को गूथा नहीं है, बस अब हमें क्या करना है, इस तरह से बांध लेना। 15 मिनट बाद रखेंगे तो खिला खिला नहीं रहेगा। और इसके बाद हम इसे ऐसे एक रोल बना लेंगे, और इसे छोटी बनानी है तो इस तरह से छोटी छोटी करिएगा, बड़ी बनानी है तो थोड़ी बड़ी बड़ी सी। तो यहाँ इस तरह से करनी है जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं एक दो आपको दिखा रही हूँ बस। और तो यहाँ पे यह इस तरह से करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से लेयरदार बन जाती है, बिल्कुल अलग अलग लेयर बनती है। ये तरीका होता है माठी मठरी बनाने का जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जो आपको लाइव वीडियो में तो आपको सब पता लग रहा है दोस्तों, वैसे कुछ नहीं पता लगता है। ऐसे हम बनाते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा हमने क्या करा है इसलिए। तो यहाँ बस हमने चाशनी भी, मैं आपको बेलने का तरीका बता देती हूँ हम लोग कैसे बेलते हैं। हलवाई वाला ही ट्रिक बताऊंगी बिल्कुल आपको। क्या करते हैं अपन, आज अगर हो सके तो मठरी करवा चौथ के लिए बना सकते हैं आज ही। कमेंट बहुत कम आए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे संग स्मृति जी जुड़ी हैं, मुक्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, अनु जी से जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे लोग अपने आप लोग ज्यादा से, तो यहाँ मैंने इस तरह से दिखाया है। अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा कैसे बेलते हैं। तो यहाँ हथेली से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रख के इसको प्रेस करना है। तो यहाँ इस तरह से प्रेस करके जैसे मैंने आपको दिखाया, उस तरह से उंगलियों से फैला लेते हैं पहले। तो यहाँ इस तरह से फैलाते हैं और फिर इसको बेलते हैं। तो मैंने आप छोटी छोटी आपको टिप्स बता रही हूँ और इस तरह से बेल लेते हैं। अगर आपको छोटी बेलनी है तो आप छोटी बना सकते हैं, अगर आपको बड़ी करनी है तो आप बड़ी बना सकते हैं। और बनाने के बाद में चक्कू से, आपको कांटे से नहीं करना है, चक्कू से इस तरह से इसको काटना है। तो इस तरह से हमारी मठरियां तैयार होती हैं। तो यहाँ मैं अभी हमारा, तो यहाँ इस तरह से तैयार करते हैं और मैं इसको साइड में रख देती हूँ क्योंकि कई बार उठाते हैं तो दोस्तों टूट जाती हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से, और एक और आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप करिए, दबाइए उंगली से, प्रेस करिए, जैसे मैंने आपको पानी का नाप बताया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो बाजार वाली खस्ता जैसे देख रहे होंगे, बेलने में भी पता नहीं, खस्ता ही लगती है। तो बस छोटी बदली आपकी इच्छा है कैसे बना लीजिएगा। तो यहाँ चक्कू से काट लिए। चलिए हम आगे और बताते हैं। मठरी बेलने का तरीका आपने सीख लिया, अब आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ चाशनी में डुबोने का। बिल्कुल वही हलवाई वाला तरीका ही बता रही हूँ क्योंकि हलवाई कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने पोंछ लिया है, आपको दो तरीके बताऊंगी। जैसे कि चाशनी हमारी गर्म हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे चार चाशनी हमारी 2 से 2.5 तार की होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख लेंगे जब इस तरह से तार खींच रहा है, और चाशनी भी आपको पता लग रही होगी इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। तो आप फटाफट से इसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों, घर में कभी भी बना सकते हैं। आने वाली करवा चौथ पे अभी 2 दिन है तो अब बना सकते हैं, शाम को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और मैंने आपको चाशनी दिखा दी है। पता है कई जने क्या करते हैं, मैं अभी पहले हलवाई वाला तरीका बताती हूँ फिर वो दूसरा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ जैसे कि हमने इधर मैं आपको ले आई हूँ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक थाली रखी है हमने। थाली में इस तरह से स्टैंड सबके पास होगा, कोई सा भी स्टैंड हो तो यहाँ रख सकते हैं। मोहनी जी राधे राधे। तो यहाँ पे आकाश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे संग, तो वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, मठरियों को ऐसे रख लेते हैं, जैसे कि ऐसे भी रख के डाल सकते हैं, और नहीं तो मैं एक और तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे वो कढ़ाई में इस तरह से डालते जाते हैं, जो कम मीठे की खाते हैं तो वो इस तरह से डालते हैं।
और इस तरह से निकाल देते हैं। बस इसे एक से डेढ़ मिनट रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते, और इस तरह से निकाल देते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, मैं आपको कैमरे को बार बार करके दिखा रही हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको एक ही वीडियो समझ में आए। तो यहाँ पे निकाल के इस तरह से स्टैंड पे रखते जाते हैं। एक्स्ट्रा चीनी नीचे गिरती जाती है, तो अब मैं आपको यहीं पर दिखाती रहूंगी। और एक मैंने आपको दिखा दिया, ऐसी कढ़ाई में डिप करनी है और इस तरह से रखनी है। तो यहाँ मैं इसको सजाने का तरीका भी बता दे रही हूँ। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो ऊपर से ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में आप देखेंगे चाशनी जम जाती है। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा ये तरीका हो गया कि जो हम मीठी मठियां बनाते हैं इसको बनाते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी चाशनी ज्यादा है, मैंने मठियां कम बना रखी है, तो इसको 2 से 3 मिनट पकाते हैं अच्छे से, और गैस को बंद कर देना। तो यहाँ हमने गैस, बिल्कुल गैस बंद होनी चाहिए, जो कि बंद होती है जब भी ये पकती हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगी सूख जाएंगी, और इसमें आपस में एक दूसरे से चिपक जाए कोई बात नहीं दोस्तों, वो धीरे धीरे खुल जाती हैं। अब मैं इनको आपको सजाने का तरीका बताती हूँ, जैसे मैंने सजाई है बिल्कुल बाजार वाला लुक देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे संग मोहनी जी, पूनम जी और जुड़ चुकी हैं, और यकीन करिए दोस्तों आप एक बार जरूर इस मठरी को ट्राई कीजिएगा, यकीन करिए। तो यहाँ पे चाशनी जैसे हमने डाली है, तो इस पे पिस्ता डालते हैं इस तरह से, और बिल्कुल बाजार वाला लुक आता है, क्योंकि जो भी मिठाई होती है, मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल हलवाई वाला स्टाइल बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हलवाई की दुकान थी। तो मीठे में आपने अगर मेरी छेने की जो मैंने अभी कल वीडियो डाली थी परसों नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, उसमें इतने सॉफ्ट रसीले हमारे अंगूरी रसमलाई बनाई थी हमने, बिल्कुल परफेक्ट तरीका भी बताया था। तो इस तरह से रख लेनी है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है, गीली हो जब ही डालनी है, जम जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं ये वो होंगी। इसके बाद अगर आपको चांदी का वर्क लगाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले लगा रखा है इसलिए। तो बस इस तरह से हम चिपका देंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे 2 ही पे दिखा रही हूँ फटाफट से, थोड़ा सा हम चाहते हैं दोस्तों वीडियो छोटी बने, फिर भी आप देख रहे होंगे हमने फटाफट दिखाया, वीडियो फिर भी लंबा हो गया। तो यहाँ, और अब मैं आपको इसको जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद छेड़ना है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ जो हमने पहले बना के रखी थी, इसे साइड में कर देते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी थी। तो मैं जो साइड में थोड़ी जगह बना लूं, आप देख रहे होंगे सामान रखने में भी दिक्कत आती है, और इस तरह से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया लग रही है हमारी मठियां। तो मैं ये भी निकाल दूं, ये भी चाशनी में डिप हो जाए, ज्यादा देर हो जाएंगी तो खराब हो जाएंगी, इनको भी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा मीठा हो जाता है तो आजकल कोई पसंद नहीं करता है। सूखने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो ये हमारी सूख चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से सूख चुकी हैं, बस हल्के हल्के अभी घीली हैं, जैसे मैंने आपको पहला एक बैच बना के रखा था। तो ये घीली रहती हैं, अब 2 से 3 घंटे में ये सूख जाएंगी अच्छे से, और मैं इसकी तोड़ के दिखा रही हूँ तो आपको अंदर तक खस्ता कैसे मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं अंदर तक लेयरदार है, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल लेयरदार होती है, क्रिस्पी होती है। और रोहित जी जुड़ चुके हैं, मीना जी जुड़ चुकी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे अंदर तक लेयर आ रही है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। तो इस तरह से आप करवा चौथ में मीठी मठी बनाइए दोस्तों, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनेंगी। मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताया है, सीक्रेट टिप्स के साथ बताया है। वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से बस हमें यही उम्मीद होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पेज पे नए हैं तो फॉलो कीजिएगा। चलिए बाय बाय, फिर हम एक शाम को टाइम हुआ तो शाम को बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आ रहे हैं। तो हरों का दिन आ चुका है, रोहित जी बहुत दिन आए थे, थैंक यू। और मैंने बहुतों के कमेंट नहीं पढ़े हैं दोस्तों, लंबा वीडियो जाता है, सबको मैं बाद में जवाब दूंगी। बाय बाय।